हेलो एवरीवन, अध्ययन कक्ष में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्जाम पिछले कल हुआ है उसके साइकोलॉजी सेक्शन को देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज। तो पूछा गया है कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की लास्ट स्टेज कौन सी है। तो जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है इसकी हमारे पास 5 स्टेजेस रहती हैं, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज। तो जो आपकी लास्ट स्टेज है वो है आपकी जेनाइटल स्टेज। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जेनाइटल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, उसे रेगुलेट करती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लर्निंग इज डैश चेंज इन बिहेवियर। तो ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, आपने बहुत बार पढ़ी भी होगी, दैट लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रिलेटिवली परमानेंट, कि अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी बदलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स शॉर्ट टर्म मेमोरी होल्ड इन्फॉर्मेशन। तो जो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी है ये आपकी 30 सेकेंड्स या फिर इससे कम समय तक मेमोरी को होल्ड करके रखती है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लेस देन 30 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैस्लोस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नोन एज। तो हम जानते हैं कि जो मैस्लो की मोटिवेशन थ्योरी है उसे हम थ्योरी ऑफ नीड्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थ्योरी ऑफ नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पियाजेज विच स्टेज इज रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल थिंकिंग। तो जो आपके एब्स्ट्रैक्ट और लॉजिकल थिंकिंग है ये आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आईक्यू ऑफ अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज इक्वल टू द क्रोनोलॉजिकल एज। तो पूछा गया है कि यदि किसी बच्चे का जो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है तो उसका आईक्यू कितना होगा। तो यहाँ पर जो आईक्यू होगा वो कितना रहेगा, 100 रहेगा। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेमोरी इज। तो जो मेमोरी की पहली स्टेज है वो है आपकी एनकोडिंग। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉज ऑफ लर्निंग आर गिवन बाय। तो हम सभी जानते हैं कि जो लॉज ऑफ लर्निंग है उन्हें थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच एग सेल हैज अ क्रोमोसोम। तो पूछा गया है कि प्रत्येक अंडा कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो हर एक में कितने होते हैं, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय। तो हम जानते हैं कि जो आपका प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस टेस्ट है इसे राविन के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द किंडरगार्टन मेथड। तो जो आपका किंडरगार्टन मेथड है इसे फ्रेडरिक फ्रोवेल के द्वारा डेवलप किया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक फ्रोवेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, एज पर लेव वाइगोट्स्की डैश प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रन। तो पूछा गया है कि लेव वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चों की जो कंसेप्चुअल एबिलिटीज है इनकी डेवलपमेंट में कौन सी चीज सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयर कोलैबोरेशन, कि जो आपकी पीयर कोलैबोरेशन है ये बच्चों में जो कंसेप्चुअल एबिलिटीज होती है इनकी डेवलपमेंट में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्किनर थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग इज बेस्ड ऑन। तो हम सभी जानते हैं कि जो स्किनर की थ्योरी है ये आपकी रीइन्फोर्समेंट पर बेस्ड है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रीइन्फोर्समेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेवलोव बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो हम सभी जानते हैं कि जो इवान पेवलोव है वो क्रिश्चियन साइकोलॉजिस्ट थे। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज नोन एज। तो जो आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का एसोसिएशन है तो हम उसे लर्निंग थ्रू एसोसिएशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स की। तो इसका सही आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, लर्निंग। बाकी अब यदि हम बात करें ऑप्शन बी की जो है कंडीशनिंग, तो जो कंडीशनिंग है वो आपकी लर्निंग की एक सिंपल फॉर्म है जहाँ पर हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में साहचर्य स्थापित करते हैं। मतलब कि स्टिमुलस को रिस्पॉन्स के साथ एसोसिएट करते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथनिंग, उनकी वीकनिंग, यहाँ पर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भी हो सकता है। बाकी जब आंसर की आएगी तो हम एक बार वहां पर भी मैच कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल स्टडी मेथड इज कंसीडर्ड द मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ स्टडिंग बिहेवियर। तो जिस मेथड को सबसे ज़्यादा साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव माना जाता है वो है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोलॉजी वर्ड इज डेराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो जो आपका साइकोलॉजी शब्द है इसे ग्रीक भाषा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी वॉज एस्टेब्लिश बाय। तो जो साइकोलॉजी की पहली लेबोरेटरी है उसे विलियम वुंड के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विलियम वुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज। तो एजुकेशन की फील्ड में जो साइकोलॉजी है इसका मेजर कंट्रीब्यूशन आपका चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन में है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस्टॉल्ट मीन्स। तो जो आपका गेस्टॉल्ट है इसका मतलब होता है होल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज। तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मास्टर ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो जो इनमें से ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के साथ जुड़े हैं वो है आपके कैटल। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज इज नोन एज अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस। तो जो आपका स्ट्रॉम और स्ट्रेस का पीरियड है वो आपका एडोलेसेंस का पीरियड रहता है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एडोलेसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सब टेस्ट आर इन भाटियाज बैटरी टेस्ट। तो इसमें आपके 5 सब टेस्ट रहते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु मेड पेपर पेंसिल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। तो ये आपके ह्यूमन बिहेवियर की साइंस है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये जो स्टेटमेंट है इसे स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय। तो जो आपकी टू फैक्टर थ्योरी है इसे स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, स्पीयरमैन। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट वर डिस्क्राइब्ड बाय एरिक्सन। तो एरिक्सन ने साइकोसोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस दी हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 8। तो ये आपका साइकोलॉजी सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ बाकी जब आंसर की आएगी तो हम उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। और बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।